ये गाली देता है ना कि कोई मिनाटी मिनाटी खूब गाली देके मिलियन सब्सक्राइबर बनाता है, बच्चों को लगता है कूल है। बस अभी तो फैमिली, तो कैसे हैं आप सब लोग यार। तो आपने बिल्कुल सही देखा जो मैंने आपको दिखाया कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी क्या बोल रहे हैं कैरी मिनाती के बारे में। तो यार मैंने वही सोचा यार कि आज वीडियो बनाई जाए। आप लोग भी सोच रहे होगा कि यार मैं आज किस टॉपिक पर वीडियो बनाने लग गया। जो बंदा हमेशा एक्सपोज करता है और रोस्ट करता है प्रैंकस्टर्स को, आज वो कुछ अलग ही टॉपिक पर बात करने जा रहा है। तो यार मजबूरी होगी यार, बनानी पड़ रही है वाली वीडियो, क्योंकि यार कुछ हो ही ऐसा गया है। सीन अभी हुआ है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जिन्हें आप जानते होंगे यार, यूट्यूब पर इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनसे मिलते रहते हैं, और मतलब वो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन उनके पास आते हैं कंसल्ट करने के लिए कि भाई बिजनेस के बारे में सोल्यूशन दो, ये प्रॉब्लम है वो वगैरह। तो इस चीज़ के लिए वो काफ़ी फेमस है, और उनकी वीडियोस, आहा क्या वीडियोस होती है यार उनकी। मतलब मैं खुद पर्सनली भाई उनकी वीडियोस देखता हूँ यार, मज़ा आता है वीडियो देख के, इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज मिलती है उनकी वीडियो में। लेकिन बस ये चीज़ है ना यार कि मान लो यार, जैसे होता ही है कि यार अगर एक बाल काटने वाला बाल काट रहा है तब तक वो ठीक है, अगर वो ना खाना बनाने लग जाना यार तो दिक्कत होती है। तो वही चीज़ यार डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने कर दिया यार। तुम अगर मोटिवेशनल वीडियोस बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, करते रहो ना, क्यों लफड़े में पड़ रहे हो फालतू के। क्या ज़रूरत है यार किसी के बारे में कुछ बोलने की, है ना। अब जो बंदा रोज कर रहा है, एक्सपोज कर रहा है यार, उस वो तो चलो जो कर रहा है करने दो उसे यार, वो अपना काम कर रहा है, वो भी अपनी लिमिट में कर रहा है। अब तुम उसमें सिखा रहे हो कि यार गाली मत दो, ये करके तुम देश समाज में क्या शिक्षा दे रहे हो, ये सब वो सब उसकी बात मत करो यार। वो है तो पहले मैं आपको सुना देता हूँ कि भाई हुआ क्या है। एक्चुअली हुआ हुआ ये था कि 2 दिन पहले डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की वीडियो आई थी एक अब्दुल कलाम से रिलेटेड वाली। तो उसी में उन्होंने वीडियो के बिल्कुल एंड में, जब वीडियो ख़त्म होने वाली थी, उसी में कैरी मिनाती के ऊपर एक थोड़ी सी टिप्पणी कर दी है। तो वो मैं आपको पहले क्लिप दिखाता हूँ, देख लो आप। क्या ये गाली देता है ना कि कोई मिनाटी मिनाटी खूब गाली देके मिलियन सब्सक्राइबर बनाता है, बच्चों को लगता है कूल है। देश का चरित्र बनाना है, गाली बोलना नहीं सिखाना है। अगर आप माँ बाप अपने बच्चों को जरूर दिखाई है, हमारे को और अब्दुल कलाम बढ़ाने हमारे देश में। तो गाइस देख लिया आपने, तो ये था जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने बोला है हमारे कि भाई कैरी मिनाती जैसा नहीं बनना है, और हमारे जो आज की आने वाली पीढ़ी है उसको अब्दुल कलाम जैसा बनना है, और जो जो बोला उसमें वीडियो में। तो यार एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, देखो जो भाई कैरी मिनाती इंडिया का भाई इंडिविजुअल देखा जाए सबसे बड़ा यूट्यूबर है, अगर उसे पब्लिक देख रही है तो भाई किसी वजह से देख रही होगी। अब उसमें भाई वो गाली यूज़ कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो यार वो उसकी मर्जी है यार भाई, पब्लिक पसंद तो कर रही है। अब यार डॉक्टर साहब आप खुद ही उसकी वीडियो देखते होगे यार, अब आपने देखी है तभी तो यार उसके बारे में बता रहे हो कि कैसा है वो। आपके बच्चे खुद देखते होंगे यार उसकी वीडियो, कैसी बात कर रहे हो यार कि मतलब वो गाली वगैरह यूज़ कर रहा है। अरे यार और लोग अगर गाली यूज़ करते हो, और लोगों को देख लो यार क्या क्या करते रहते हैं यूट्यूब पे। अब भाई हमारे प्रैंकस्टर्स को देख लो जिनको मैं एक्सपोज करता रहता हूँ, मतलब यार हद मचा के। सबसे ज़्यादा गंद आज के टाइम में, सबसे ज़्यादा गंद भाई किसी ने फैलाया तो वो प्रैंकस्टर्स ही हैं। वो तो भाई आप लोग देख ही रहे हो, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, बाकी पब्लिक देख ही रही है भाई। प्रैंकस्टर्स के अलावा भाई मतलब कोई और हो ही नहीं सकता इस टाइम पर, कितना गंद फैला रखा उन लोगों ने। तो यार भाई डॉक्टर साहब थोड़ा आगे पीछे भी देखो यार, एक ही बंदा नहीं है वो, एक यार वो कौन सा गलत काम कर रहा है यार, वो भी तो यार एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाता है वीडियो। अब यार ऐसी गाली की बात करी जाती है, मिर्ज़ापुर 2 आई थी उसमें देखो कितनी भर भर के गालियाँ पड़ी हुई थी यार, उसके बारे में कुछ बोल लेते नहीं बोला गया। भाई हमारे पॉलिटिशियन कितने कितने कभी बीच बीच में कुछ कुछ बोल जाते हैं, तब नहीं बोला जाता यार किसी से, क्यों भाई, क्योंकि वो पॉलिटिशियन है और वो एक मूवी है। लेकिन यहाँ पे आप बोलोगे बोलोगे बीच में कि कैरी मिनाती जैसा नहीं बनना। भाई मैं कहता हूँ मेरे को बनना है कैरी मिनाती जैसा। भाई मैंने उसको देखा, फिर मैंने मेरे को भी आया अंदर से भाई रोस्टिंग करनी चाहिए, एक्सपोजिंग करनी चाहिए, उसको देख के भाई मैंने सीखा है, अब बोलो भाई। तो भाई ऐसे ना आज के टाइम में बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जो रोस्टिंग करना चाह रहे हैं और उसको देख के सीखेंगे और फिर ऐसे बनना चाहते हैं। तो भाई वो बंदा, उसके बारे में ऐसे मत बोलो, उसने भाई बहुत स्ट्रगल करा है, उसने बहुत सारी अचीवमेंट करी है, इतना जाके बंदा सक्सेसफुल हुआ है, अब मूवी में आ रहा है बंदा, मूवी में काम करने वाला है। तो भाई कुछ उसने अचीव करा तब जाके ये हुआ है। तो यार ऐसे बोलना गलत है उसके बारे में कि हमें कैरी मिनाती जैसा नहीं बनना। भाई मैं कह रहा हूँ मुझे बनना है कैरी मिनाती जैसा। सो गाइस आज की वीडियो में बस यही था, एक छोटी सी वीडियो इसलिए मैं लेके आया है क्योंकि यार हमें मेरे से नहीं देखा गया है कि यार जिस बंदे से हमने सीखी है चीज़ है उसके बारे में कोई गलत बोल रहा हो तो भाई नहीं रहा जाता, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी है। तो बाकी चलो यार अपनी नई प्रैंकस्टर्स के ऊपर वीडियो आने वाली है, जल्द लेके आएंगे। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना।